आज की वीडियो में हम आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर के फुली ऑटोमेटिक मोड के बारे में जानकारी देंगे। फुली ऑटोमेटिक मोड ईआरपी सॉफ्टवेयर का एक ऐसा फीचर है जो आपके सॉफ्टवेयर की वर्किंग को बहुत ही इजी बना देता है। फुली ऑटोमेटिक मोड को हमारी कंपनी ने खासकर उन लोगों के लिए इन्वेंट किया है जिनको अकाउंट्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, B2B, B2C के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फुली ऑटोमेटिक मोड को ऑन करने के बाद एक लेमैन भी बहुत ही इजीली अपना काम कंप्यूटराइज कर सकता है। इसमें सेल परचेज करते समय हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या ये पार्टी विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है, पार्टी जीएसटी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ये सब सॉफ्टवेयर अपने आप इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सेल एंट्री को फुली ऑटोमेटिक करने के लिए सबसे पहले आपने मास्टर्स में आके सेल टाइप में आना है। देखिए, पहले आपके पास दो तीन ऑप्शंस आती थी सेल टाइप की, B2B सेल, B2C वगैरह। अभी आपके पास सिर्फ एक सेल टाइप आएगी, इसको आपने डबल क्लिक करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर को पहले से यूज कर रहे हैं और आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी फुली ऑटोमेटिक मोड, इसको आपने टिक लगाना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। ओके करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अभी हमें यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी इन्फो में हमने स्टेट और स्टेट कोड सही डाला है, और अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हमने जीएसटी नंबर डाला है कंपनी इन्फॉर्मेशन में। तो इसके लिए हमें यहाँ मास्टर में आके कंपनी इन्फो को एडिट करना है। अभी जो हमारी फर्म है वो दिल्ली में है, हम दिल्ली से हैं, तो इसलिए स्टेट में हमने दिल्ली डाला है और यहाँ पे स्टेट कोड भी डाला हुआ है हमने। हमारे पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना भी बहुत जरूरी है। आपने पहले एक बार कंपनी इन्फो में आके ये तीनों चीजों को चेक कर लेना है कि हमने सही से एंटर की हुई है। अगर कोई चीज छूटी हुई है आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, उसके बाद आपने यहाँ अप्लाई कर देना है। ओके करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अभी हम डेमो के लिए अलग अलग टाइप के कस्टमर के अकाउंट बनाएंगे। कस्टमर के अकाउंट बनाने के लिए हमने यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है। नया अकाउंट बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नेम में हम अपने कस्टमर का नाम देंगे, एंटर करेंगे। हम दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हमारा कस्टमर बना रहे हैं। यहाँ ग्रुप में कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट बनाते टाइम आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपने कस्टमर का स्टेट और स्टेट कोड डालना है। यहाँ पे यहाँ हमने स्टेट में दिल्ली डाला, कस्टमर जो है दिल्ली का है, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली उठा लिया है सॉफ्टवेयर ने। उसके बाद अगर कस्टमर जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर डालना बहुत ही कंपल्सरी होता है। आपने यहाँ उसका जीएसटी नंबर डालना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने जीएसटी नंबर भी डाल दिया है इसका। हम दिल्ली से हैं, हमने कस्टमर का स्टेट और स्टेट कोड भी दिल्ली का ही डाला है, इसलिए ये जो कस्टमर है ये लोकल कस्टमर है हमारा। यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर डाला है इसका, इट मीन्स ये हमारी B2B पार्टी हो गई है। तो इस तरह से आपने स्टेट और स्टेट कोड ध्यान से डालना है, और दूसरा जीएसटी नंबर अगर है कस्टमर के पास वो भी डालना जरूरी है। इन्हीं तीनों चीजों के बेसिस पे सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि इस पार्टी की सेल रिपोर्ट जो है वो किसमें बनेगी, B2B में बनेगी, B2C में बनेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है आपने। तो अभी इसको हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से एक कस्टमर हम और बना लेते हैं, एंटर करेंगे, इसको भी कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी हमारा कस्टमर है, इसका भी स्टेट हम दिल्ली ही रखेंगे, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मान लीजिए ये जो रोहित वर्मा है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो अभी हम जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पार्टी है वो B2C में आएगी क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो इसे भी सेव कर देंगे हम, अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी हमने जो कस्टमर बनाए हैं उनकी सेल की एंट्री करके देखेंगे। तो उसके लिए हम सेल पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, नई सेल की एंट्री के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, सेल डेट आ जाएगी, टर्म सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो भी कस्टमर हमने बनाए थे वो लिस्ट में आ चुके हैं। अभी मान लीजिए हमने दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी को सेल करनी है। यहाँ देखिए सेल टाइप में सिर्फ एक ही टाइप आ रही है, जैसे पहले तीन चार ऑप्शंस आती थी, B2B सेल, B2C सेल, लोकल, इंटरस्टेट सेल। तो अभी सिर्फ आपके पास सेल टाइप में सेल आएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है, आगे जाना है। यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ आप आइटम सेलेक्ट कर लोगे जो भी सेल करनी है, क्वांटिटी डालेंगे, एड कर देंगे इसको, एक आइटम और एड कर देते हैं इसमें। ये सेल जो है हम विद इन स्टेट कर रहे हैं क्योंकि ये कस्टमर भी दिल्ली से है और इसके पास जीएसटी नंबर है, इसलिए ये B2B सेल हो गई है। यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सी टाइप सिलेक्ट की है, सिर्फ यहाँ पे आपने सेल सिलेक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने कस्टमर के अकाउंट क्रिएट करते टाइम वहां पे दी है, उसका स्टेट और स्टेट कोड डाला है, जीएसटी नंबर डाला है, उसको देखते हुए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार कर देगा कि ये जो सेल है वो B2B है, B2C है। तो आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एंट्री करनी है, इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। प्रिंट न्यू देखना है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। इसी तरह से सेल की एक और एंट्री करेंगे हम, न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी जो सेल कर रहे हैं हम उस कस्टमर को कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो रोहित वर्मा को हमने सिलेक्ट किया, ये कस्टमर हमारा दिल्ली से ही है लेकिन इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो सेल टाइप में मैंने पहले भी बताया आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी सिलेक्ट करें, आपने यहाँ पे सिर्फ सेल सिलेक्ट करना है,
यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे आइटम की, इसको भी ऐड कर देंगे, इसी तरह से नेक्स्ट आइटम उठाएंगे, इस एंट्री को भी हम सेव कर देते हैं, ओके करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। अभी जो हमने सेल की एंट्री की है उसकी रिपोर्ट बन चुकी है, देखते हैं कि रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है इन दोनों एंट्रीज का। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए हम डिस्प्ले पे आके जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे जीएसटी R1 में आएंगे। अभी हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे बनी है। सबसे पहले हम B2B टैक्सेबल इनवॉइस चेक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ उस कस्टमर की रिपोर्ट आ रही है जिसके पास जीएसटी नंबर है। ये हमारी B2B सेल थी, इसलिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इसकी रिपोर्ट B2B इनवॉइसेस में तैयार कर दी है। यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है कि 5% की कितनी सेल हुई है और 18% जीएसटी वाली आइटम्स की कितनी सेल हुई है। तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे B2C स्मॉल इनवॉइसेस चेक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। देखिए जो कस्टमर हमारा लोकल था उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, उसकी रिपोर्ट यहाँ B2C स्मॉल इनवॉइसेस में बन चुकी है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसका स्टेट कोड आ रहा है, जो भी SGST और CGST है वो सारा कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता रहा है। इसे भी क्लोज करेंगे हम। अभी हम उन कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं जो आउट ऑफ स्टेट है। तो फिर से हम अकाउंट पे आएंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम देंगे, यहाँ ग्रुप में हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा कस्टमर है, यहाँ सिटी डालेंगे, पैन कोड आ जाएगा, यहाँ स्टेट डालेंगे, स्टेट और स्टेट कोड डालना जरूरी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। मान लीजिए इस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर कंपल्सरी है डालना, तो यहाँ पे डालेंगे हम, एंटर करेंगे। तो अभी देखिए हम दिल्ली से हैं लेकिन जो हमारा ये कस्टमर है ये पंजाब से है, हमने स्टेट और स्टेट कोड पंजाब का डाला है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भी डाल दिया। क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर है इसलिए ये आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी हो गई है, इसे सेव कर देंगे। एक अकाउंट हम और क्रिएट कर लेते हैं, एंटर करेंगे, पैन कोड दे देंगे जो भी है, यहाँ पे इसका भी स्टेट पंजाब है और यहाँ स्टेट कोड ऑटोमेटिकली उठा लिया सॉफ्टवेयर ने। अभी हमें देखना है कि इस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है। अभी सपोज कीजिए इस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन ये कस्टमर जो है ये आउट ऑफ स्टेट है, तो इसलिए ये आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर पार्टी हो रही है, इसको भी सेव करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। अभी हम इन कस्टमर्स की भी सेल की एंट्री करके देखेंगे, तो फिर से हम सेल पे आएंगे। अभी जो हमने कस्टमर के अकाउंट बनाए थे वो भी लिस्ट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम गोयल एंटरप्राइजेस जो हमारा जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सेल एंट्री करेंगे, एंटर करते हुए ऐड कर देंगे इसे, नेक्स्ट आइटम उठाएंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। अभी हम सेल एंट्री को सेव कर देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अभी हम हमारा जो कस्टमर है संजीव कुमार उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर है, इसको ऐड करेंगे। देखिए इसको अभी जो हम सेल कर रहे हैं उसका जो टोटल अमाउंट है वो 3,080 रुपए है, इसको सेव कर रहे हैं, ओके करेंगे। इसी कस्टमर की फिर से एक एंट्री करेंगे, संजीव कुमार को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये कस्टमर जो है आउट ऑफ स्टेट है और इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इसकी हम 1.5 लाख के ऊपर की एंट्री करके देखेंगे। उसके बाद हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली अलग से इसकी रिपोर्ट दिखाएगा B2C लॉन्च में, और जो 2.5 लाख से कम की सेल है इसकी वो B2C स्मॉल में दिखाएगा। अभी इस आइटम की हम क्वांटिटी 4,000 डाल देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर की सेल करके दिखानी है आपको। देखिए यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट जो है 2.5 लाख से ऊपर हो चुका है, अभी हम इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे। तो अभी हम वापस डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट चेक करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटी R1 में आएंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम B2B टैक्सेबल इनवॉइस चेक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे वो कस्टमर की रिपोर्ट बन चुकी है जिसके पास जीएसटी नंबर था। यहाँ पे गोयल एंटरप्राइजेस की जो भी सेल की है हमने वो एंट्रीज आ चुकी है, साथ में 5% की कितनी सेल हुई है, 18% की कितनी सेल हुई है ये भी दिखा रहा है आपको, इसे क्लोज करेंगे। अभी हम B2C स्मॉल इनवॉइस चेक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सेल हमने आउट ऑफ स्टेट कस्टमर को की थी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट और स्टेट कोड भी, इसको हमने बिल जो काटा था 2750 रुपए का था, इसलिए इसकी रिपोर्ट जो है B2C स्मॉल इनवॉइसेस में आ चुकी है। लेकिन इसकी हमने 2 एंट्रीज डाली थी सेल की, पहली सेल एंट्री तो हमने 2750 रुपए की थी, एक बिल जो है इसका हमने 2.5 लाख से ऊपर का बनाया था वो इस रिपोर्ट में नहीं दिखा रहा है अभी सॉफ्टवेयर आपको, वो रिपोर्ट आपने कहाँ पे देखनी है, इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने देखना है B2C लॉज इनवॉइसेस, क्योंकि जो कस्टमर हमारे आउट ऑफ स्टेट हैं लेकिन उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर उनकी सेल जो है 2.5 लाख से ऊपर की होती है तो सॉफ्टवेयर उसकी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली B2C लॉज इनवॉइसेस में बनाता है, तो इसे ओपन करके देखेंगे, यहाँ ओके करेंगे।
देखिए इसकी रिपोर्ट B2C लॉज इनवॉइस में बन चुकी है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी इसे भी क्लोज करेंगे। इसी तरह से एक रिपोर्ट आप और चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप GST रजिस्टर्ड बिल वाइज इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे भी पूरी डिटेल में रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल आपने विद इन स्टेट की है उसका जो टैक्स है CGST और SGST में दिखाएगा आपको, और जो सेल आपने आउट ऑफ स्टेट की है उसका जो टैक्स है IGST के कॉलम में आपको दिखाएगा। बाकी की डिटेल भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसे भी क्लोज करेंगे। तो यही सेम प्रोसीजर जो है वो आप परचेज एंट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से फुली ऑटोमेटिक करने के बाद आपने अपनी कंपनी इन्फो में स्टेट और स्टेट कोड चेक करना है, और अपना GST चेक करना है कि हमने सही डाला है। दूसरा, आपने कस्टमर के अकाउंट्स बनाते टाइम उनका स्टेट और स्टेट कोड ध्यान से एंटर करना है, और अगर किसी कस्टमर के पास GST नंबर है तो एंटर करना कंपलसरी है। ये सारी सेटिंग करने के बाद जब भी आप सेल परचेज की एंट्री करोगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है। सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली GST रिपोर्ट्स तैयार कर देगा, कौन सी सेल की रिपोर्ट कहाँ पे बननी चाहिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बनाता जाएगा रिपोर्ट्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू।